आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। ओम लंबोदर नमो नमः, विघ्नेश्वर नमो नमः, हीवेश्वर नमो नमः, चिंतामणि नमो नमः, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, ओं गंगणपतये नमो नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम हनुमते नमः। जब हम गणेश जी का नाम लेते हैं किसी कार्य से पहले, तो याद रखिए वो कार्य निर्विघ्न पार हो जाता है। इसी तरह मन में भी धारणा होनी चाहिए कि मैं जो हूँ सब कार्य पूर्ण करके ही दम लूँगा या दम लूँगी। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ इस दिन की अति शुभ वाली बधाइयाँ शुभकामनाएं मैंने आप तक भेजी। 2 अप्रैल 2024 चंद्रमा धनु राशि में देर रात्रि तक, उसके बाद मकर राशि में। नक्षत्र है शुक्र का पूर्वाषाढ़ा रात्रि 10:48 तक, उसके बाद सूर्य का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा। मासिक कालाष्टमी है आज, बुध वक्री हो जाएंगे। तो बुध वक्री होते से ही सूर्योदय से बुध के वक्री होने के असर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम कल से जान रहे थे कि शुक्र उच्च के हो गए तो क्या अच्छा फल देंगे सभी राशि वालों को द्वितीय चरण में। अब शुक्र स्वामी होते हैं वृषभ के, शुक्र स्वामी होते हैं तुला के। मेष राशि। शुक्र तुला राशि से षष्ठ चलेगा। याद रखें षष्ठ जाने पर और द्वादश में बैठने पर शुक्र खर्चा भी अंधाधुन करा सकते हैं व्यवसाय पर, और आपको प्रेम संबंधों में कोई गलत कार्य नहीं करना। याद ये भी रखना है आपको कि अगर विवाहित हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करने हैं। वृषभ राशि। आपके लिए अब शुक्र का जो है वो मीन में जाना, यानी कि लोन्स वगैरह लेने में खबरदारी बरतना। याद ये भी रखना है आपको कि बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार पटा लीजिए सारे, और विरोधी आपके जो हैं मांडवली करके मतलब बीच बिचाव करके पीछे हट सकते हैं, तो उन्हें भी हटाइए। मिथुन राशि। बच्चों के साथ आपके अच्छे संबंध रहेंगे, लेकिन बच्चों के कारण आपको चिंताएं भी हैं, वो चिंताएं आपकी खत्म हो जाएंगी क्योंकि शुक्र जो है उच्च के हो रहे हैं, इसलिए आप अपनी तबीयत को संभालते हुए कार्य करें। कर्क राशि। माता पक्ष की चिंता है खूब सारी, वो आपके सपोर्ट करती है आपके बिजनेस में। ये भी याद रखें कि माता पक्ष के कारण आपका भाग्य भाव जो है वो आगे बढ़ता है, तो उनकी तबीयत भी संभालनी है और कुछ कार्य में उनको साथ ले लेना है। सिंह राशि। आपके लिए कई सारे काम जो यात्रा में करने थे वो ये सोच के करने थे कि काम करते समय मुझे अपनी तबीयत संभालनी है, दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर जाना है, छोटे भाई बहनों की भी तबीयत का ध्यान रखना है, उनके साथ काम भी करना है। कन्या राशि। आपके लिए कई सारे काम जो बनने वाले थे परिवार के साथ मिलकर संचित धन बनाना, या ऐसा कोई काम जो आपके विवाहित जीवन के साथी के साथ बनने वाला था, उसमें थोड़ा सा पेशेंस रख के और उनकी तबीयत का ध्यान रखते हुए ये काम को आगे बढ़ाना है, धन कमाना है। तुला राशि। आपके लिए शुक्र का द्वितीय विचार ये है कि आपको लोन्स वगैरह लेते समय अपनी तबीयत के लिए भाग दौड़ बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, आराम से, और साथ में आपके जो व्यवहार नौकरी से रिलेटेड भी हैं किचकिच तो होगी क्योंकि मंगल शनि युति भी चल रही है, लेकिन संभल के ये भी याद रखें कि आपके कुछ काम ऐसे बनने वाले हैं जिसमें आपके विरोधी भी आपका सहयोग देंगे, उनको भी अपनी तरफ करिए। वृश्चिक राशि। बच्चों के साथ आपको खूब आनंद मिलने वाला है, लेकिन प्रोवाइडेडली उन पर खर्च भी हो जाएंगे। याद ये भी रखें कि आपके कुछ विद्याधन पढ़ाई पे भी खर्च होंगे, उनके वीजा लगने में भी खर्च हो सकते हैं, प्रिपेयर रहिए। धनु राशि। आपके माता पक्ष के ऊपर आपके खर्च हो सकते हैं, हो सकता है उनके साथ मिलके आपको कुछ काम करना है उसके लिए वो एग्री नहीं हो रही हैं, तो उनके साथ किचकिच न करें क्योंकि वो हैं तो आपके जीवन में सुख है। मकर राशि। आपके यात्राओं में आपको बहुत लाभ होगा, आनंद मिलेगा, मज़ा मस्ती मिलेगी, और आपके कई काम जो बिजनेस से रिलेटेड थे वो बन तो जाएंगे, लेकिन अपनी तबीयत संभालिए, अपना दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर जाएं।
कुंभ राशि, आपके भाग्य से रिलेटेड मतलब नसीब की वजह से कुछ काम बनेंगे जिससे पैसा आएगा, जिससे संचित धन होगा, परिवार से सपोर्ट मिलेगा और आपकी वाणी में थोड़ी सी मधुरता आएगी। पीछे राहु की वजह से ये मधुरता नष्ट हो गई थी। मीन राशि, आपके लग्न में बैठे शुक्र कहते हैं ज्यादा लस्ट और ज्यादा वासना के तहत आप अराजकता ना पैदा करें, संभल के रहें और माँ महालक्ष्मी की आराधना करते रहें, शिव जी की आराधना करते रहें और साथ साथ इन्वेस्टमेंट ना करें फिलहाल। शुक्र तो उच्च के हो गए, लेकिन क्या आपने उच्च के काम किए? क्या आपको पता है कि कोई भी ग्रह कितना भी उच्च का हो, कितना भी अच्छा समय आए, बैठे बैठे कुछ नहीं होता। मुंह पे से मक्खी हटाएंगे तो मक्खी हटेगी, नहीं तो नहीं हटेगी। इसलिए आपको भी अपने घर की रेनोवेशन, अपनी सजावटें, काम की सजावटें, ये एक वाइड एंड वेग एस्पेक्ट है कि शुक्र उच्च के हुए, इसका मतलब है आपको हर चीज़ में खूबसूरती बढ़ानी है, चाहे आपके कर्माज हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका काम हो, यही आपका उपाय है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आगे दीजिए धन्यवाद और नमस्कार।